सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे ETFs के बारे में जो अपने 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे ETFs में क्या हमें नई पोजीशन बनाने के बारे में सोचना चाहिए या फिर नहीं, और अगर पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ पहलुओं को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस समय आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 का चार्ट हमने ओपन करके रखा है, और अभी के टाइम 18,500 के आसपास आपको निफ्टी देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 जो है 18,499 पे क्लोजिंग दिया है फ्राइडे के दिन। तो मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखी गई पिछले एक महीने में। अगर पिछले एक महीने में देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट में लगभग 2.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और वहीं बात की जाए ड्यूरिंग ईयर की, तो ड्यूरिंग ईयर में देखेंगे तो ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। पर दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जनवरी में मार्केट थोड़ा 18,000 के ऊपर था, उसके बाद फिर एक बड़ा गिरावट आई थी लगभग 10% के आसपास। तो वहाँ से फिर मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग ये मार्केट 16,000 के लेवल भी दिखाया था हमें, और वहाँ से अगर देखा जाए तो हमें लगभग 10% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा मैक्सिमम ETF जो हैं लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। उसमें से कुछ ही ऐसे ETF हैं जो थोड़ी बहुत गिरावट में हैं, बाकी सारे ETF जो हैं लगभग 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ऐसे कौन से ETF हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो पहला ETF निकल के आ रहा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे बैंक 20। अगर इसे एक साल के चार्ट में देखेंगे तो ये 52 वीक हाई पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। आप यहाँ सिंपली चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ETF जो हैं अब नई पोजीशन बनानी है या नहीं तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ऐसे कौन से ETFs हैं जो अभी अपने 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई पे आसपास ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और इसमें से ज़्यादातर ETF ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पे हैं और नए नए हाई रोज लगा रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस समय ठीक ठाक मूवमेंट पर चल रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे लगातार निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी मूवमेंट है। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो फैंग प्लस ETF है ये भी अपने 52 वीक हाई पे है, और साथ ही गोल्ड 20 में थोड़ी सी गिरावट है, बट कह सकते हैं 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और अब बात करते हैं ऑटो 20 की, तो ऑटो 20 भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक साल के टाइम फ्रेम पे अच्छी खासी मूवमेंट के साथ साल भर में अच्छा खासा रिटर्न देने के बावजूद अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड हो रहा है। और अगले ETF की बात करें तो जो हमारा मोम 100 है यानी मिड कैप 100 ETF, वो भी 52 वीक हाई पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और अगला ETF फाइनेंशियल सर्विसेज का ETF है, देख सकते हैं इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट है। और अगला ETF भारत 22 ETF, इसमें भी एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ देखेंगे तो एक साल में लगभग 32% का रिटर्न हमें दिया है, और अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, एक और ETF निकल के आ रहा है CPSE ETF, ये भी 52 वीक हाई पे है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है साल भर में, देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो भी हमने ETF डिस्कस किया है, इन लोगों ने अच्छा खासा रिटर्न भी हमें दिया है शॉर्ट टर्म में। और बहुत से ETF तो ऐसे हैं जो 25-25, 30-30% के रिटर्न भी दिए हैं पिछले एक साल में। तो औसतन रिटर्न देखेंगे तो 15% के ऊपर ही रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं मोस्टली ETFs में। और बात करते हैं अब इन ETFs में हमें क्या करना चाहिए नई पोजीशन वालों के लिए। तो दोस्तों, नई पोजीशन वालों के लिए करना यही है दोस्तों, हो सके तो आपको अभी इन ETFs में नई पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है। फिर भी अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो ये मान के चलिएगा इन वर्स्ट केस, अगर इसमें से अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाते भी हैं तो यहाँ से अगर 10-15% की गिरावट भी आती है तो आपको इस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करके चलना है कि अगर यहाँ से 10-15% की गिरावट आती है शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में तो आप उसे एवरेज कर सकें या अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। तो ये दिमाग में अपने बना के रखिएगा, अगर यहाँ से हमें 10-15% की गिरावट देखने को मिली है तो हमें अपने फंड को ऐसे मैनेज करते हुए चलना है या अपने फंड को इतने भागों में डिवाइड करके चलना है कि हम 15% तक की गिरावट को यहाँ से कवर अप कर सकें। और साथ ही दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, हमें मार्केट में एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं पता होता है कि अब मार्केट यहाँ से क्या कैसा परफॉर्म करेगा, या एकदम ऊपर जाएगा यहाँ से, या यहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग होगी, या यहाँ से गिरावट भी हमें देखने को मिलेंगी, तो हमें नहीं पता है। तो इसीलिए जिन लोगों के पास अगर ये इन सारे ETFs में से अगर किसी में भी अच्छी खासी होल्डिंग है तो हो सके तो आप इसमें से 50% तक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ईजिली। लॉन्ग टर्म वालों की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं, पर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं इन सारे ETFs में जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जितने हमने आपको अभी ETF दिखाए हैं, तो अगर आप इन ETFs में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 50% तक आराम से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी कुछ होल्ड भी कर सकते हैं आगे के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट कहाँ से रिटर्न करेगा, तो हो सकता है हमें यहाँ से भी तेज़ी देखने को मिले। तो हो सके तो 50% तक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इन केस अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं और गिरावट हो जाती है तो फिर आपको ये लगेगा कि हम हो सके तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था।
और फिर आपको पछताना भी पड़ सकता है, तो इसलिए प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। तो जो लोग नई पोजीशन बनाना चाहते हैं इन सारे ETFs में, जितने हमने अभी डिस्कस किए हैं, 8 से 9 ETFs को हमने अभी डिस्कस किया है, तो इन ETFs में अगर नई पोजीशन बनानी है तो आप बना सकते हैं, पर थोड़े ही अमाउंट से पोजीशन बनाएं। कम से कम आपको यहाँ से 4 से 6 लॉट लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप 1 लॉट यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर गिरावट लेता है तो आपके पास एवरेजिंग का पैसा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, पर फिर भी आपको पोजीशन बनानी ही बनानी है तो आप बहुत ही थोड़ा अमाउंट अपना 15 से 20% अपना पैसा यहाँ पर डाल सकते हैं अभी के लिए। बट अगर गिरावट हो तो उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। बाकी दोस्तों ये हमारी एनालिसिस थी, आप अपनी भी एनालिसिस जरूर करिएगा। बाकी ये वो सारे ETFs थे जो अपने 52 वीक हाई और मोस्टली इसमें से ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं और नए नए हाई डेली देखने को हमें मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो उन ETFs के बारे में जो अच्छी खासी हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें मार्केट में पैसे को बचा के रखना है। हमें बड़ी बाइंग नहीं करनी है इतने हाई रेट पे किसी भी ETF में। जैसे कि देख सकते हैं ये जो बैंक बीज है 52 वीक हाई पे है, अगर हम यहाँ पे बड़ी बाइंग कर लेते हैं, अगर कोई मान लो किसी के पास 1 लाख रुपये का फंड है और 70-80 हज़ार रुपये यहीं पर डाल देगा, तो सोच लीजिए अगर किसी इनकेस बड़ी गिरावट हुई 10 से 15% की, तो आप अच्छे खासे लॉस में जा सकते हैं। और फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि हमने हाई रेट पे बड़ी बाइंग कर ली है तो हमारा अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को कैसे कवर अप करें, फिर आप ही लोग के कमेंट ऐसे आते हैं। तो आपको हाई रेट पे बड़ी बाइंग नहीं करनी है, आप अगर आप अवॉइड करेंगे तो बेटर होगा, और फिर भी बाइंग करना है तो बहुत ही थोड़े अमाउंट से कर सकते हैं, 10 से 15% ऑफ योर कैपिटल जो आप इस किसी भी पर्टिकुलर ETF में निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो अच्छे से। अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।